हाय हाय। अरे बेबी, अगर तुम कहो तो एक आधा ताजमहल तो मैं दिल्ली में ही बनवा दूं तुम्हारे लिए। तुम्हें आगरा जाने की कोई जरूरत नहीं है डार्लिंग, गर्मी बहुत है ना, टैनिंग हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बॉडी, आई मीन तुम्हारी स्किन खराब हो। देखा छोटी, ये ठरकी जीजा फोन पे भी ठरकी हरकतें करता है। उसके बाद हम कुतुब मीनार देखने जाएंगे। कुतुब मीनार बहुत अच्छी जगह है। देखा जस्सी भैया, देखा जी। मेरे बेचारे पूछी अभी तक नींद में चल रहे हैं और आप है कि बिना मतलब उन पे इल्जाम लगाते रहते हैं। वेरी बैड, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। पूछी। इसका कमीनापन तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अगर इसको ठीक करना है ना तो इसी की तरह सोचना पड़ेगा और इसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जस्सी फ्रॉम कनाडा। छोटी, हाँ? मैंने आज ही कनाडा के बहुत बड़े डॉक्टर से जीजे की बीमारी के बारे में बात की और उसने कहा दिन भर नींद में चलना जानलेवा हो सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जीजा बहुत जल्दी नर्क में, मेरा मतलब स्वर्ग में चला जाएगा। नहीं जस्सी भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये तुलसी अपने मीर को मौत के मुंह से खींच लाएगी। छोटी, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जब भी जीजा नींद में चले ना तो उसे उठा दो। और मैं तो कहता हूँ हम उसे सोने ही नहीं देते। ओह, डोंट वरी जस्सी भैया, ये तुलसी अपने मीर के लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी। प्रेस गरम तो है ना? यस, बहुत गरम है। लगा के जगा दे चीजे को। ओके। ओह हाउ हॉट। पट्टी चक दूंगी। चिपका दिया। सॉरी सॉरी पूछी। वो मैं आपको सोने नहीं दे सकती ना, इसलिए मैं काम करती हूँ। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। क्यों बे जीजे, कैसा लगा मर्द का दर्द? अरे यार, स्लीप वॉकिंग के चक्कर में तो स्लीप का नामो निशान नहीं रहा और मैं तो वॉक कर करके वॉकिंग डॉग बन चुका हूँ। जब भी आंखें बंद करता हूँ दोनों कुत्तों की, आई मीन दोनों राक्षसों की जोड़ी आ जाती है उठाने। यहीं सो जाता हूँ। कैसा लग रहा है मेरे माचो जीजे? मैंने जस्मीन से कहा था कि तुझे किसी भी हाल में सोने ना दे। तो आदमी चिंता नहीं छोड़ दो। अरे साहब जी छोड़ दो, बच्चा है। कमीने, आज तो मैं तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। अरे साहब जी रुको, रुको, रुको। मम्मी जी, छोटी, छोटी, क्या हुआ? छोटी, जीजे ने बाजू का खून कर दिया। ये क्या हो गया? अरे मैंने इसे नहीं मारा यार। मैं इसे कैसे मार सकता हूँ जबकि मुझे नींद में चलने की बीमारी नहीं है, तो मैं इसे नींद में चाकू कैसे मार सकता हूँ यार? और ये सब जो भी मैंने किया ना, ये तो मैंने जानबूझकर किया, पूरे होशो हवास में किया। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये सारी कचौड़ियाँ ना इस साले ने तली हैं। मतलब इसी की साजिश है ये। भूत भैया। साहब जी। ओए मर जाने, तू तो जिंदा है। हमको जसबीर साहब ने पैसा दिया था लाश बनने के लिए। क्या? क्या? हाँ छोटी, मैंने ही बोला था बहादुर को, ताकि ये कमीना जीजा एक्सपोज हो सके और इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। ओए मर जाने पप्पू, ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया? पूछी, आपने हम सबसे झूठ बोला। बोला पूछी, आपने ऐसा क्यों किया? बोलो। ठीक है, आप सब जानना चाहते ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ। तू भी जानना चाहता ना पके हुए पपीते? तो सुन, आज रात को मैं तुम सबको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। रात में? देखा पप्पी जी, देखा
ये है इसकी बीमारी। क्या कहा? आप लोगों को पता है जब मैंने अपने पटपड़गंज वाले डॉक्टर बंगाली से इस नींद में चलने वाली बीमारी के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे यही बताया कि इस नींद की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो ये है कि इस नींद में चलने वाली चीज को लेकर मरीज के अंदर डर पैदा हो। इसीलिए मैं नींद में चलने की एक्टिंग कर रहा था ताकि कैनेडियन मुझे नींद में चलते हुए वो सारे उल्टे सीधे काम करते हुए देखे और इसके मन में नींद में चलने को लेकर डर पैदा हो। क्या सर, बच्चों को पैदा करने की उम्र में तुम डर पैदा करता है? पुची, यू ग्रेट पुची। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने फिर से जस्सी भैया की बातों में आकर आप पर शक किया। एंड जस्सी भैया, आपको मेरे पुची से माफी मांगनी पड़ेगी। चलिए माफी मांगिए। कोई बात नहीं कैनेडन, मैंने माफ किया अपने साले को। देखा कितना महान है मेरा पुत्र। साले अबे ओ, बिना धुले कपड़ों में से आने वाले पसीने की बदबू खानी पड़ी ना फिर से मुंह की। हाय हाय हाय।